भोपाल में ईरानी डेरों पर दबिश देने आई सागर की पुलिस पर लोगों ने हमला करने का मामला सामने आया है। सागर जिले की खुरई पुलिस पर ईरानी लोगों ने मिर्ची पाउडर फेंका और पथराव कर हमला कर दिया। पुलिस ने भी जवानी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। यह वारदात करोन इलाके की अमन कॉलोनी में हुई। आपको बता दें कि आरोपी बदमाश दूसरे शहरों में जाकर घटना को अंजाम देते थे। गुरुवार सुबह 6:30 बजे सागर जिले की खुरई पुलिस ने धोखाधड़ी के 3 आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी थी। खुरई पुलिस ने निषादपुरा और छोला पुलिस की मदद ली थी। पुलिस ने बताया कि करोंद में अमन कॉलोनी के ईरानी डेरे के 2 कुख्यात बदमाश दिवाली से पहले 9-10 नवंबर को सागर के खुरई गए थे। वहां एक ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचे और गन पॉइंट पर जेवर से भरा बैग लेकर भाग गए थे। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि ये बदमाश भोपाल के ईरानी डेरे के रहने वाले हैं। खुरई पुलिस बदमाशों की तलाश में भोपाल आई थी। पुलिस टीम ने गुरुवार तड़के दबिश दी। पुलिस ने दोनों संदेहियों को हिरासत में लिया है। बदमाशों को ले जाते ईरानी समुदाय के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच कुछ लोगों ने आगे बढ़कर पुलिस पर मिर्च पाउडर झोंक दिया और पथराव होने लगा। हालात बिगड़े तो पुलिस ने हवाई फायरिंग की। पथराव में 12 पुलिस वालों को चोटें आई हैं। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। ये क्या है मामला सर? ये सागर खुरई का एक आरोपी है, वहाँ पे कुछ ठगी करके आया था। सागर की पुलिस आई थी और उसको सायदार था, टोकन बल भी गया था वहाँ पे। जब वो आरोपी को लेकर के आ रहे थे, कुछ लोगों ने उसमें व्यवधान करने का प्रयास किया। उस दौरान जो है उन लोगों को जो है वहाँ से हटा दिया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। और जिन लोग व्यवधान जिन लोगों ने उत्पन्न किया था उनके विरुद्ध 353 के प्रकरण सर गोली भी चलने की सूचना है, ऐसा कुछ है? अभी उसको वेरीफाई कर रहे हैं, बट ऐसा वहाँ पर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है और कोई भी ऐसी किसी को चोट किसी प्रकार की नहीं। लेकिन सर खुरई की पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई है पब्लिक को? उसको वेरीफाई कर लेता हूँ, ये इशू जो है अभी मेरी जानकारी में नहीं है, जिसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। अगर ऐसा है तो भी उसको भी जो है हम लोग अपनी डायरी में सब लेते हैं। पुलिसकर्मी सर कुछ घायल हुए क्या? नहीं, कोई भी घायल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।